नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के आपके लिए आज टॉपिक लेके आई हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, द टाइप्स ऑफ लिगेंड। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, क्योंकि आईयूपीएससी नेम लिखने को आता है, शॉर्ट नोट्स आता है, इसमें से लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स आता है शॉर्ट नोट्स। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम लिगेंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट आर लिगेंड्स, हम आपको बताएंगे कि लिगेंड्स हम किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड्स आर मेनली जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज माने गए। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब हो गया, हमारे पास दो चीज होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, एक होता है सेंटर मेटल जिसे हम सेंटर मेटल के नाम से जानते हैं, और दूसरा डोनर स्पीसीज जो डोनेट करती है अपने इलेक्ट्रॉनों को किस तरफ को, सेंटर मेटल की तरफ को। तो दिस इज द डोनर स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच में भी चार्ज स्पीसीज सीएल माइनस, साइनाइड, NO2 माइनस एटसेट्रा, और द न्यूट्रल स्पीसीज जैसे कि मैंने लिखा है न्यूट्रल स्पीसीज में H2O, NH3, ये NH2CH2 जो है ये आपका इथाइलिन डायमीन है, इसको बारे में अभी आगे डिस्कस किया जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दैट कैन बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंटर मेटल एटम और आयन, इसको नोन एज द लिगेंड। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो चार्ज स्पीसीज हो सकती है। कौन कौन सी चार्ज स्पीसीज? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज और साथ में न्यूट्रल भी कोई भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया कुछ एक दो न्यूट्रल। नेगेटिव क्यों होती है? पॉजिटिव क्यों नहीं होती है? क्योंकि पॉजिटिव सेंटर मेटल पर हमेशा कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पर हमेशा कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली उसके सराउंडिंग में जो स्पीसीज होगी या तो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज की होगी या कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज होगी जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी। अब आप सोच रहे हो कि वाटर में इलेक्ट्रॉन की रिचनेस कैसे है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से करी इसने, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से करी और ये आपका हाइड्रोजन का लूज स्ट्रक्चर बन गया। तो दिस इज द लोन पेयर, एक लोन पेयर ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है आपको, दो लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर ये होगा कि दो लोन पेयर है, यानी कि जो वाटर है वाटर मॉलिक्यूल्स पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो अपने लोन पेयर प्रेजेंट होने का मतलब है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सेम वे आप फॉलो कर सकते हैं NH3 का, नाइट्रोजन में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक हो गया, दोनों में शेयरिंग करी तो हमारी शेयरिंग करने से हमारा स्ट्रक्चर ये बना, ठीक है, ये बना हमारा लूज स्ट्रक्चर। तो ये दिख रहा है आपको लोन पेयर, तो इसका मतलब अमोनिया में भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो कहने का तभी जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को जब सेंटर मेटल की तरफ डोनेट करते हैं तो वो किस नाम से जानते हैं, हम उसको लिगेंड के नाम से नॉमिनेट करते हैं। किसमें? डोनर एटम ना कहते हैं वो, उसको यहाँ केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो हमारे ये बात पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मैं पहले वाली वीडियो में, व्हाट आर सेंटर मेटल, व्हाट आर सेंटर मेटल, हाउ दे शो द प्रॉपर्टी, वो किस तरह से प्रॉपर्टी शो करता है। तो आज मैं डिस्कस करूँ लिगेंड में। लिगेंड हमारे पास एक टाइप के नहीं होते, कई टाइप के लिगेंड्स माने गए हैं हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज, लिगेंड को हम निम्न टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं, हमारे कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं देखिए लिगेंड के। तो पहला टाइप है हमारा टाइप 1, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और डोनर प्रॉपर्टीज ऑफ द लिगेंड, सिग्मा डोनर लिगेंड्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट प्रॉपर्टी वाले होते हैं या डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनर प्रॉपर्टी वाले होते हैं, या कह सकते हो सिंपल वे में जो सिग्मा डोनर लिगेंड के टर्म्स होते हैं, सिग्मा डोनर का मतलब जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, जो सिंपली नॉर्मल मॉलिक्यूल्स होते हैं। दोज लिगेंड विच कैन ओनली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड द मेटल आयन, मैंने क्या कहा, जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं कहाँ को, हमेशा लिगेंड की डेफिनेशन हम केमिस्ट्री में एक ही चीज से लेकर चलेंगे, हमेशा फिक्स रखेगा लिगेंड की डेफिनेशन हमारा जो होगा डोनर एटम होगा, और जो अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ करेंगे, डोनेट करेंगे, सेंटर मेटल आयन, एग्जाम्पल वाटर, NH3, फ्लोरीन, दीज लिगेंड कैन बी नोन एज द वीक फील्ड लिगेंड। इन लिगेंड को हम किस नाम से जानते हैं केमिस्ट्री में, वीक फील्ड लिगेंड, अपने ये किस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर वीक फील्ड लिगेंड के में कैटेगरी में आते हैं। सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड, दूसरे टाइप के जो लिगेंड होते हैं सिग्मा डोनर या पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन आपका पता ही है प्लेन के अपर और प्लेन के नीचे होता है, वो अपने एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। दोज लिगेंड विच कैन बी डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड ऑल्सो हैविंग ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कुछ ऐसे लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उनमें स्पेशल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, एंड दे आर एम्प्टी एंटीबॉडी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, किसमें एंटीबॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है एंटीबॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कैसे देखिए, सच लिगेंड कैन बी इन्वॉल्व इन द बैक बॉन्डिंग विद द मेटल आयन, फॉर एग्जाम्पल CO, NO, Cl- एक्सेट्रा, ऐसे लिगेंड जिनमें इलेक्ट्रॉन जो अपने हमने जैसे एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ आपको, जैसे हमने लिया सेंटर मेटल, ठीक है, और हमने लिगेंड लिया CO, तो ये पाई बॉन्डेड लिगेंड है हमारे, किस कैटेगरी में पाई बॉन्डेड का मतलब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है आपका, डबल बॉन्ड है,
ठीक है, ये बॉन्डिंग हो गई। तो इनमें टेंडेंसी क्या है, सच लिगेंड कैन इन्वॉल्व बैक बॉन्डिंग द पाई बॉन्ड विद द मेटल आयन। ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करते हैं और ये बैक बॉन्डिंग करके दोबारा वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, दीज लिगेंड आल्सो नोन एज़ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इस लिगेंड को हम क्या किस कैटेगरी में जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के नाम से जानते हैं। यानी कि इनमें पाई बॉन्ड, आपको पता है ये पाई बॉन्ड कभी भी स्टेबल नहीं होता, हमेशा पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड आपका रोटेट करता है, सिग्मा बॉन्ड कभी भी रोटेट नहीं करता है। रेजोनेंस वगैरह की जो प्रॉपर्टी शो करता है, पाई बॉन्डिंग दिखाता है, सिग्मा बॉन्डिंग कभी भी शो नहीं करती है। तो ये हमारे होगा पाई बॉन्डेड लिगेंड। पाई बॉन्डेड पाई डोनर लिगेंड आर दोज लिगेंड लाइक बेंजीन एंड इथाइलिन विच डू नॉट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट ओनली पाई इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन टू द मेटल एटम आयन। कुछ ऐसे लिगेंड भी होता है पाई बॉन्डेड लिगेंड या पाई डोनर लिगेंड विच कैन डू नॉट हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इसका एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं बेंजीन से, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया बेंजीन। बेंजीन में कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन पाई बॉन्डिंग पाई जाती है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। बट ओनली हैव पाई इलेक्ट्रॉन होता है विच कैन बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द सेंटर मेटल साइड। ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ को डोनेट कर सकता है, सेंटर मेटल की तरफ को डोनेट कर सकता है, यानी कि अपनी ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय नहीं करेगा लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो पहले थे हमारे सिग्मा और पाई बॉन्डेड के बेसिस पर, वो टाइप वन था हमारा। अब हमारा टाइप टू बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम इन द लिगेंड। कुछ लिगेंड इस तरह से होते हैं जो नंबर ऑफ डोनर एटम के आधार पर डिसाइड करे जाते हैं, यानी कि उनको नंबर ऑफ डोनर एटम के आधार पर डिवाइड किया गया है। इस बेसिस पर हमारे जो लिगेंड है वो है पहला मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड लिगेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है मोनोडेंटेड, डेंटेड का मतलब डोनर, समान डेंटेड से मतलब यहाँ पर डोनर से मतलब, और मोनो का मतलब होगा केवल एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा सेंटर मेटल की तरफ को। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि लिगेंड का मतलब क्या होता है, लिगेंड का मतलब ही डोनर एटम से होता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी रूप में हो लेकिन लिगेंड का मतलब हमारे साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डोनर एटम से है। तो पहला है मोनोडेंटेड, क्या होता है, देखिए डेफिनेशन, द लिगेंड दैट बाउंड टू द सेंटर मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम आर कॉल्ड मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड लिगेंड। मैंने क्या बोला, मोनो का मतलब होगा सिंगल, जो किससे जुड़े होते हैं, आपका सिंगल डोनर एटम से जुड़े होते हैं, लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल Cl H2O NH3। दीज लिगेंड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। उनको पुनः चार्ज के आधार पर फर्दर क्लासिफाइड किया गया, किसको, मोनोडेंटेड लिगेंड को। कैसे कह सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है Cu NH3 का Whole four plus. तो this is the center metal, ये आपको मैंने first video में आपको बताया था, अगर doubt होगा तो आप first video देखिएगा। This is the center metal, square bracket का तो जो पहला element होता है center metal, और ये donor atom जो होते हैं हमारे किस नाम से जाने जाते हैं, ligand के नाम से जाने जाते हैं। ये अपने electron को कहाँ donate करेंगे, ligand की तरफ को। तो अगर ये तो structure है, अगर इसके structure, ये तो आपका formula है, अगर इसके structure रखे हो तो ये क्या होगा, Cu से NH3 कितने time जुड़ा है, चार बार, एक NH3, दो NH3, तीन एन एस थ्री और चार एन एस थ्री जुड़े हैं। तो किससे जुड़े हैं, ये जुड़े हैं नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन से। तो सेंटर मेटल इज बॉन्डेड विद ओनली वन एटम, किससे जुड़ा हुआ है, एक ही एटम से, किससे, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो लिगेंड होता है वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में हमारे आते हैं। ठीक, मोनोडेंटेड लिगेंड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। तो इसमें आता है आपका पहला एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, देखिए सम लिगेंड हैव टू और मोर देन डिफरेंट डोनर एटम। कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जिसमें दो से ज्यादा डोनर एटम, दो या दो से अधिक डोनर एटम जो होता है, डोनर साइड की तरह काम करते हैं डोनर एटम। दीज लिगेंड कैन बी थ्रू डोनर एटम। हमने क्या कहा, सम लिगेंड हैव टू और मोर देन टू डिफरेंट डोनर एटम, दो से अधिक डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। These ligands can be attached through only one donor atom. They are given different name depending upon the nature of donor atom linked to the metal atom. क्या कहा? एक ही center metal तो एक ही रहेगा, लेकिन एक ही center metal से दो different donor atom जुड़े रहेंगे। जैसे आप example को लेके चलिए, these ligands are mainly NO2, मैंने बोला example। आप NO2 का मतलब है, जैसे हमने बोला को example Cu NO2 का whole twice क्या आपका माइनस टू और इक्वल कहते जाके प्लस टू। ठीक है, प्लस टू वही हो गया, प्लस प्लस वन, ठीक हो गया। ये आपका एक कोई फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है, सी यू से एनओ टू कितनी बार जुड़ा है, दिख रहा है आपको दो बार जुड़ा है। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया सी यू और ये हो गया एनओ टू और दिस वजह ऑल्सो एनओ टू, ये हमारा एनओ टू दो टाइम जुड़ा है। ठीक है, तो इसमें डोनर आइटम क्या है, दिख रहा है आपको, साफ दिख रहा है कि इसमें हमारा डोनर आइटम क्या है,
इसमें हमारा डोनर एटम क्या है, एनओ टू का एन, इसमें एनओ टू का क्या हो गया एन। तो इसका मतलब है साफ क्लियर हो रहा है कि सी यू इज सराउंडेड बाय एनओ टू, टू एनओ टू मॉलिक्यूल्स एंड द डोनर एटम इज नाइट्रोजन। यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल की तरफ को कौन करेगा, नाइट्रोजन ही करेगा, किसकी तरफ को, सी यू की तरफ को। लेकिन अगर इसको दूसरी तरह से लिखा जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ओ एन ओ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सी यू ओ एन ओ और ये हो गया ओ एन ओ। ऐसे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि एनओ टू का जो आईयूपीसी नेम होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं आपको आईयूपीसी सिखाऊंगी, एनओ टू का जो यूपैक नेम होता है वो है नाइट्रिटो एन, नाइट्रिटो एन का मतलब एन इज द डोनर साइन। और ये हो गया ओ एन ओ, अगर हम ओ एन ओ को हमने खोल के लिखा तो इसका नाम होता है नाइट्रिटो ओ, नाइट्रिटो ओ का मतलब ओ बोल रही, मतलब ओ मीन्स द डोनर साइड, इसका मतलब इसमें डोनर साइड ओ है और इसमें डोनर साइड क्या है, ओ है। तो मैंने यही तो बात बोली थी, हैविंग टू और मोर एटम डिफरेंट डोनर एटम, दीज लिगेंड कैन बी अटैच्ड थ्रू एनी ऑफ द डोनर एटम, सेंटर मेटल कोई भी डोनर एटम से जुड़ा हो सकता है, ठीक है। दीज लिगेंड नोन एज द एम्बिटेटेड लिगेंड, ये लिगेंड किसकी कैटेगरी में आते हैं, एम्बिटेटेड लिगेंड में। जैसे कि मैंने बोला NO2, NO2 में डोनर एटम में भी आएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, NO2 में डोनर एटम क्या हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल है HCl, HCl में डोनर एटम में भी सल्फर और में भी नाइट्रोजन, अगर ये HCl करके जुड़ेगा तो डोनर एटम क्या होगा, S होगा, अगर HCl करके नहीं जुड़ा है, HCl करके जुड़ा है तो डोनर एटम क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ऐसे CN, CN जैसे कि सिंपल एग्जांपल साइनाइड है, साइनाइड का EPC नेम होता है साइनाइडो, ठीक है। तो डोनर एटम में भी आइदर अगर ये सी एन करके जुड़ता है, किसी फॉर्मूले में हमारा लिखा गया है सी एन लिखा हुआ है हमारा, जस्ट फॉर कोई भी आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लिखते हो, आप लेके चलते हो के फोर एफ ई सी एन सिक्स, ठीक है, के फोर एफ ई सी एन सिक्स लेते हो, तो इसका मतलब है कि एफ ई से क्या जुड़ा हुआ है, सी एन जुड़ा हुआ है। लेकिन कई फॉर्मूले में सी एन ना लिखा होता होके वहां पर क्या लिखा होता है, एन सी लिखा होता है, एन सी सी एफ सिक्स, तो NC का मतलब होगा इसमें नाइट्रोजन, इसमें कार्बन डोनर साइट है और इसमें नाइट्रोजन डोनर साइट है, मे बी आयदन कार्बन और नाइट्रोजन इधर डोनर साइट, डोनर आइटम मे बी आयदन सल्फर और नाइट्रोजन, इसमें H2O3 में डोनर आइटम या तो सल्फर होगा या नाइट्रोजन होगा। दीज आर ऑल्सो मोनोनेट्रेड लिगेंड, ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब के सब दोबारा से किस कैटेगरी में आते हैं, मोनोनेट्रेड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। इसके अलावा जो आता है, इसके बाद जो आपका क्लासिफाइड करा गया है वो है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, देखिए मोनोडेंडेंट का मतलब क्या है, बात समझ गए आप, मोनोडेंडेंट का मतलब सेंटर मेटल इज सराउंडेड ओनली वन डोनर एटम साइड, ठीक है। उसको हमने डिवाइड करा था एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड लिगेंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एग्जामिनेशन में आता है, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड में एक ही एटम होगा लेकिन उसकी डोनर साइड क्या होंगी, दो होंगी। नेक्स्ट है पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या हो सकता है, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, ट्राइडेंट नाम से क्लियर हो रहा है, बाइडेंटेड सेंटर मेटल से दो लिगेंड अटैच होंगे, ट्राइडेंटेड तीन होंगे, टेट्रा चार होंगे, पेंटा पांच होंगे, हेक्सा छह होंगे। दीज लिगेंड बाइंड टू द मेटल एटम आयन थ्रू टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स डोनर एटम रिस्पेक्टली, इसमें दो तीन चार पांच छह डोनर एटम क्या होंगे, उससे जुड़े रहते हैं, किससे, सेंटर मेटल से। हम उसको किसके एटम में डाल देते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब पॉलीडेंटेड दीज लिगेंड ऑल्सो नोन एज चीलेटिंग लिगेंड, दीज लिगेंड फॉर्म रिंग टाइप, रिंग टाइप कंपाउंड्स नोन एज चीलेट्स। एक्चुअल में जो मोनोडेंट जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है, मैंने कहा दो के अलावा तीन चार पांच छह बोला, तो कितने हैवी मॉलिक्यूल्स अगर सेंटर मेटल से जुड़े रहते हैं तो वो अपने आप में स्टेबल नहीं होते, वो क्या बना देते हैं, रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। तो रिंग स्ट्रक्चर को सेंटर मेटल सराउंडेड बाय, सेंटर मेटल सराउंडेड बाय एनी पॉलीडेंटेड लिगेंड, इट प्रोड्यूस अ रिंग, सेंटर मेटल सराउंडेड बाय एनी पॉलीडेंटेड लिगेंड, तो वो क्या बनाता है, हमने वो हमेशा रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमेशा क्या बना देते हैं, रिंग बना देते हैं, वो हमारे किसमें आ जाता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड की कटिंग में आ जाता है। मैं कुछ पॉलीडेंटेड लिगेंड की एग्जांपल्स लेके आई हूँ, जैसे कि यह देखिए बाइडेंटेड में ऑक्सीलेट आयन, हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है इस समय पॉलीडेंटेड लिगेंड में ऑक्सीलेट आयन, हमारे क्या है ऑक्सीलेट आयन, ऑक्सीलेट नाम से शुरू क्लियर हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, आपका दिख रहा होगा ये किससे शुरू हो रहा है, ओ से ऑक्सीलेट, ये है आपका सी टू ओ फोर, ये सी टू एक दो तीन चार, ठीक है। तो ये होगा सी आपका सी टू ओ फोर, सी टू ओ फोर टू माइनस आयन, ठीक है, ऑक्सीलेट आयन, ठीक है। ऐसी वन टेन पेंटा एंथ्रियोलाइन, ये आपका स्ट्रक्चर, इट प्रोड्यूस रिंग स्ट्रक्चर। अब ये सेंटर मेटल जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, खुद ही ऑलरेडी रिंग में स्ट्रक्चर में। इथाइलिन डाइमिन जो हमारा सबसे ज्यादा आईपीसी में यूज होता है, इथाइलिन डाइमिन क्या है, एन एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ई एन लिखते हैं, ठीक है, जो बता रही नोट रखिएगा, ई एन लिखते हैं।
ऐसे डाइमिथाइल ग्लिक्सोल को हम इसमें शॉर्ट में क्या लिखते हैं जीएल वाई, कहीं पर आईपीसी नेम लिखना पड़ता है तो उनको हम क्या लिखेंगे जीएल वाई डाइमिथाइल ग्लिक्सोल। अब जब ये जुड़ता है सेंटर मेटल से तो ये क्या बना देता है रिंग बना देता है। रिंग कैसे बनाता है ये आगे पढ़ेंगे, ये तो आजकल इंट्रोडक्शन है आपका। उसके बाद टेट्राइड्रेट लिगेंड में हमारा है, हमने क्या लिया है डाइथाइल टेट्रामीन, डाइथाइल टेट्रामीन ये भी सेंटर मेटल से जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे रिंग बनाएंगे। ठीक, ऐसी एक स्लाइड और स्लाइड 10 में देखिए कुछ रिंग स्ट्रक्चर जो आपको पॉलीडेंटेट लिगेंड के आपके स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पॉलीडेंटेट लिगेंड के स्ट्रक्चर ये देखो प्रोफायरिन रिंग, प्रोफायरिन ये ऑलरेडी रिंग में है, प्रोफायरिन रिंग किसका पार्ट है आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड का, पेंटाडेंटेट लिगेंड में इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट ये देख रहे हैं ये ऑलरेडी पहले से रिंग में है। अब ये सेंटर मेटल से जुड़ेंगे तो इधर से भी सेंटर मेटल से जुड़ेंगे तो ये क्या करेंगे इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये देखो रिंग बन गई, एक मेंबर दो तीन चार पांच छह कितने मेंबर बन रही है सिक्स मेंबर रिंग बना दे रहे हैं। ऐसी ईडीटी अगर सेंटर मेटल से जुड़ता है तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो देखो अभी तक रिंग अधूरी थी, बेंजीन रिंग जैसी बन रही है आपको दिख रही होगी, ये ऐसे बेंजीन रिंग जैसी बन जा रही है। तो क्या बनाते हैं ये रिंग स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारी किस कैटेगरी में आते हैं आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, टाइप थ्री बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द लिगेंड, हमारे जो तीसरा टाइप है साइज के बेसिस पर लिगेंड को क्लासिफाई किया गया वो है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड आर दोज लिगेंड व्हिच हैव बाइंड बाय मोर देन वन एटम एंड फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स और रिंग कॉम्प्लेक्स। हमारे जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जितने भी रिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे वही जो मैंने अभी आपको बोला सेंटर मेटल से अगर ये जुड़ा है और सेंटर मेटल से जुड़ के इस तरह से रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बन जा रही है तो उसको हम यहाँ क्या कह देते हैं रिंग नहीं कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं चिलेट कह देते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन द कॉम्प्लेक्स, और ये तो क्लियर ही है आपकी जिसमें भी रिंग बनेगी, जैसे आपका इधर से भी डोनेट करा इधर से भी डोनेट करा ये आपका ऑलरेडी स्ट्रक्चर था आपका सॉरी ये आपका ऑलरेडी स्ट्रक्चर था बेंजीन टाइप का, कोई भी पेंटाडेंटल लिखा इथाइलिन डायमीन वगैरह कुछ भी जुड़ गया तो ये रिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। दीज कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म द मोनोडेंटल लिगेंड, ये तो आपको पहले से क्लियर है कि कोई भी रिंग कंपाउंड होगा ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू ओपन चेन कंपाउंड, तो मोनोडेंटल लिगेंड के कंपेयर में क्या होंगे ज्यादा स्टेबल होंगे। दीज इनहेंस द स्टेबिलिटी नोन एज द चिलेटिंग इफेक्ट, और ये जो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं इस इफेक्ट को हम केमिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं चिलेटिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा चिलेटिंग लिगेंड हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू मोनोडेंटल लिगेंड। टाइप थ्री बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द लिगेंड, कुछ को साइज के बेसिस पे भी बोला गया है चिलेटेड लिगेंड और दोज लिगेंड दैट बाइंड बाय मोर देन वन एटम एंड फॉर्म द चिलेट कॉम्प्लेक्स, वही बात करी जा रही है बार बार कि जो दो से अधिक लिगेंड से जुड़कर क्या बनाएंगे चिलेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इस तरह के लिगेंड को हम किस कैटेगरी में डालते हैं चिलेटिंग लिगेंड की कैटेगरी में डालते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड मोनोडेंटल लिगेंड एंड इनहेंस द स्टेबिलिटी नोन द चिलेटिंग इफेक्ट, इनको क्या कहते हैं चिलेटिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड क्या होते हैं आर दो चिलेटिंग लिगेंड दैट कैन बी फॉर्म ए लार्ज रिंग एंड सराउंडेड द सेंटर मेटल एटम और आयन पार्शियली और फुली बॉन्डेड टू इट। इसमें मैक्रोसाइक्लिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि मैक्रोसाइक्लिक में जरूरी नहीं है कि 100% क्या हो वो 100% जुड़े हो, वो पार्शियली और फुली बॉन्डेड टू इट, पार्शियली भी जुड़े हो सकते हैं फुली बॉन्डेड टू द सेंटर मेटल एटम। द सेंटर मेटल एटम और आयन रिसाइड्स एट द सेंटर ऑफ द लार्ज रिंग, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म इज मोर रिजिड एंड इनर्ट एज कंपेयर टू द चिलेटिंग कंपाउंड इज नोन एज द मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स। ये पार्सली भी जुड़े हो सकते हैं और फुली भी जुड़े हो सकते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं और इनर्ट होते हैं, क्योंकि अगर ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है रिजिड हो जाते हैं। तो इसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं यहाँ पर मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में डालते हैं। हेमी इज द जैसे हेमी आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन का जो होता है, हेमी इज द मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल आयरन एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द प्रोफायरिन, ये सेंटर प्रोफायरिन से ये आपका हेमी का स्ट्रक्चर है, सेंटर प्रोफायरिन से जब जुड़ता है तो ये दिस इज द मैक्रोसाइक्लिक, ये आपकी मैक्रोसाइक्लिक है हेमी की। डाइमिथाइलिक ग्लाइसोमेट कॉम्प्लेक्स इज द निकिल इज द सिंथेटिक मैक्रोसाइक्लेट फॉर्म इज, ये निकिल का डीएमजी कॉम्प्लेक्स है, निकिल के डीएमजी कॉम्प्लेक्स में बीच में क्या प्रेजेंट है आपका निकिल प्रेजेंट है जो कि मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड से क्या होता है ये आपके लिगेंड से चारों तरफ से अटैच्ड है, और चारों तरफ से अटैच्ड देख रहे हैं आप सेंटर मेटल चारों तरफ से अटैच्ड है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बहुत ज्यादा रिजिड होता है और ये मैक्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में आते हैं। लास्ट है आपका टाइप फोर बेस्ड ऑन देयर यूज, यूज के बेसिस पे भी कई बार लिगेंड को क्लासिफाइड किया गया है used in the reaction, actor ligand are those ligand which take place in the chemical reaction, कुछ ligand ऐसे होते हैं जो chemical reaction में participate करते हैं
वो लिगेंड किस कैटेगरी में आता है, एक्टा लिगेंड्स। या स्पेक्ट्रल लिगेंड्स आर टाइटली कोऑर्डिनेटिंग पॉलीडेंटेड लिगेंड विच डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। कुछ लिगेंड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो एक्टर कहलाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो स्पेक्ट्रल लिगेंड के नाम से जानते हैं, विच डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जैसे कि फॉस्फीन एलाइल ग्रुप इन द कैटलिस्ट। अब ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसको लेते तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड आपको पता ही है, कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, उनको हम यहाँ किस नाम से जानते हैं, कैटलिस्ट। तो वही बात इसमें भी कही जा रही है, जैसे फॉस्फीन एलाइल ग्रुप इज द कैटलिस्ट, ट्राई पायरो एजोल बोरेट साइक्लोपेंटाडिनाइल लिगेंड एंड मैनी चीरेटिंग डाई फॉस्फेट सच एज 1,2-bis डाइफिनाइल फॉस्फिनो इथेन लिगेंड आर स्पेक्ट्रल लिगेंड। ये सारे लिगेंड जो मैंने एग्जाम्पल बोले वो आपके किस कैटेगरी में आते हैं, स्पेक्ट्रल लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें जो मेनली फोकस करना है वो हमें लिगेंड पर फोकस करना है कि हमारे लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। और आपको एक बात बता दूं, मैंने इतने सारे लिगेंड बताए, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो मेरा आपको जो मेन फोकस करना है मोनोडेंटेड लिगेंड की नेमिंग, और मोनोडेंटेड लिगेंड पर कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि कौन सा मोनोडेंटेड लिगेंड का एम्बिडेंटेड लिगेंड है और कौन सा सिंपल मोनोडेंटेड लिगेंड है। दूसरा आपको फोकस करना है कि कौन सा पॉलीडेंटेड लिगेंड है और कौन सा पॉलीडेंटेड लिगेंड चीलेट बनाने की टेंडेंसी को शो करता है। तो ये आज आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट में आप नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे ऑन लिगेंड से रिलेटेड आगे, जैसे जिसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन आयन कैसे फाइंड आउट करता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।